ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड से, और ये है आपका चैप्टर 6 एंड नेम ऑफ द स्टोरी इज आई वांट समथिंग इन अ केज। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करेंगे। तो अगर हम इस स्टोरी की बात करते हैं तो ये एक तरह से ओपन एंडेड स्टोरी कही जा सकती है, जिसमें कि रीडर्स या फिर लिसनर्स एंड में ये सोचने लगते हैं कि आखिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के वो स्टेप लेने का रीज़न क्या हो सकता है। ऐसी स्टोरीज़ जिनमें रीडर्स या फिर लिसनर्स इमेजिन करते हैं बाद में स्टोरी ख़त्म होने के बाद कि इसके बाद क्या हुआ होगा या फिर इस एक्शन का रीज़न क्या रहा होगा, ऐसी स्टोरीज़ को हम जनरली ओपन एंडेड स्टोरीज़ कहते हैं। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। मिस्टर पर्सल को भूतों में यकीन नहीं था। नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा होने के बावजूद या फिर बावजूद इसके, और अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर मिस्टीरियस, कोई भी चीज़ जो विचित्र हो या फिर रहस्यमय हो। दिस लाइन सेज मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। मिस्टर पर्सल को भूतों में यकीन नहीं था। नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स, इसके बावजूद मिस्टर पर्सल को भूतों में यकीन नहीं था, इसके बावजूद वो आदमी जिसने की दो डव्स खरीदी एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, और डव्स खरीदने के बाद जो उसने स्ट्रेंज एक्शन लिया, लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। उस एक्शन ने और उस आदमी ने मिस्टर पर्सल को एक स्ट्रेंज या फिर मिस्टीरियस सी फीलिंग दिलाई। As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Lingered का मतलब है stayed longer than necessary, means जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा देर तक जब कोई चीज़ stay करती है, रुकती है या रह जाती है, उसे हम lingered कहते हैं। Musty means stale, stale को हम बासी भी कहते हैं, stale means बासी। Lacking freshness, वो चीज़ जो कि फ्रेश ना हो। अबैंडन्ड मीन्स सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, ऐसी कोई भी चीज़ जो छोड़ दी गई हो, जिसका यूज ना हो रहा हो, उसे हम अबैंडन्ड कहते हैं। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जो कस्टमर आया था जिसको कि स्ट्रेंज कस्टमर कहा जा रहा है, जब वो चला गया था, देयर हैड लिंगर्ड, उसके जाने के काफ़ी देर बाद तक भी lingered the musty smell of an abandoned haunted house. वो जब चला गया था उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की स्मेल रह गई थी मिस्टर पर्सल के आसपास, जैसी स्मेल किसी abandoned haunted house से आती है, जैसी स्मेल किसी भी ऐसे घर से आती है जिसमें लोग रहते नहीं हैं, जिसमें फ्रेशनेस नहीं होती है, और जिसको हम दूसरे शब्दों में haunted house भी कहते हैं या भूतिया घर जिसे हम कहते हैं, वैसी कुछ स्मेल रह गई थी उस कस्टमर के जाने के बाद भी। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। मिस्टर पर्सल एक छोटे कद के आदमी थे, वो बहुत ही फसी थे। फसी का मतलब होता है फुल ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स, जो बिना मतलब के भी बहुत सी चीज़ें बोलता रहता है, बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें बताता रहता है। ही हैड रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक, और उनका जो स्टमक था वो मेलन की तरह था। मेलन मीन्स तरबूज की तरह का उनका पेट था। इट मीन्स कि वो छोटे और मोटे दिखने वाले इंसान थे। कौन? मिस्टर पर्सल। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आई सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउट। वो लार्ज ग्लासेस मीन्स बड़े बड़े चश्मे लगाया करते थे। His eyes so as to give him the appearance of a wise and genial. और वो जो लार्ज ग्लासेस लगाते थे वो उनकी आइज को और मैग्नीफाई कर देती थी। मैग्नीफाई मतलब और बड़ा दिखाना, उनकी आइज को और मैग्नीफाई कर देते थे वो लार्ज ग्लासेस,
और फिर उन्हें चश्मा लगाए हुए देखने से ऐसा लगता था जैसे कि वो कैसे अपीयर हो रहे हैं, जैसे कोई बहुत ही बुद्धिमान और जेनियल का मतलब है फ्रेंडली और चीयरफुल सा आउल। आउल क्या है यहाँ पे? उल्लू। मिस्टर पर्सल वो चश्मे लगा के कैसे लगते थे? जैसे कि कोई बहुत ही समझदार और फ्रेंडली और हैप्पी हैप्पी सा दिखने वाला उल्लू। ही ओन्ड अ पेट शॉप। मिस्टर पर्सल एक पेट शॉप के ओनर थे। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड। मिस्टर पर्सल का एक पेट शॉप था, वो बिल्लियाँ बेचते थे, वो डॉग्स बेचते थे, इवन वो बंदर भी बेचा करते थे, और वो फिश फूड में भी डील करते थे और बर्ड्स का खाना भी बेचते थे। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, और कभी कभी वो प्रिस्क्रिप्शन भी बताते थे बीमार कैनरीज, यहाँ पे एक तरह की बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बीमारी में वो हेल्प भी किया करते थे बर्ड ओनर्स की, उनको रेमेडीज़ कोई मेडिसिन बता दिया करते थे या कोई और तरीका जिससे कि बर्ड्स की तबीयत ठीक हो सकती थी। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। ऑर्नेट का मतलब है हाईली डेकोरेटेड और गिल्डेड का मतलब होता है गोल्डन। सो मिस्टर पर्सल बर्ड सीड भी बेचते थे, वो फिश फूड भी बेचते थे और वो बीमार बर्ड्स का रेमेडियल भी किया करते थे, उनका इलाज भी बताया करते थे ओनर्स को। और एक और बात क्या थी कि उनके जो शेल्व्स की लॉन्ग रोज थी उस पे सजे संवरे गिल्डेड यानी कि गोल्डन केजेस भी बेचे जाते थे। He considered himself something of a professional man. वो अपने आप को एक कोई professional इंसान जैसा समझते थे। A constant stir of movement pervaded his shop. उनकी शॉप में हमेशा ही कुछ न कुछ movement होता रहता था। Pervaded का मतलब present throughout, means हमेशा ही कुछ न कुछ होता रहता था, जैसे कि whispered twitters, means birds जो होती थी वो ट्वीट किया करती थी। ट्विटर का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स। स्लाई, स्लाई मींस डिसीटफुल नेचर, मींस चुपके चुपके वाला, रसलिंग हल्की फुल्की रसलिंग, यानी रसलिंग मींस मेकिंग सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, मींस चुपचाप हल्की फुल्की सॉफ्ट सी क्रैकलिंग साउंड भी आया करती थी। स्क्वील्स भी आया करते थे। स्क्वील क्या होता है? हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच्ड क्राई किसी भी एनिमल या फिर बर्ड की। चीप्स, चीप्स का मतलब होता है शॉर्ट क्राई मेड बाय अ यंग बर्ड। और सडन स्क्वीक्स, स्क्वीक्स क्या हैं? अ शॉर्ट हाई पिच साउंड और क्राई। ये सभी आवाज़ जो हैं तरह तरह के जानवरों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये जानवरों की आवाज़ें होती है। तो जैसा कि ये पेट शॉप था तो ऑब्वियस सा है कि पूरे दिन उस शॉप में इसी तरह की आवाज़ें आती रहती होंगी, कभी बर्ड्स की, कभी किसी एनिमल की या और भी चीज़ें जो वो बेचा करते थे उन सभी की आवाज़ें टाइम टू टाइम आती रहती होंगी। Small feet scampered in frantic circles. Scampered means ran with quick light steps. हल्के हल्के कदमों से इधर उधर भागना, चलना। In frantic, frantic means confused circles. जो animals cages में होते हैं, जो बेचे जाने के लिए रखे होते हैं pet shops में, अगर आपने कभी notice किया हो तो वो ऐसे ही confused सा movement circle में किया करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उन्हें ऐसे बांध के बंद करके क्यों रखा गया है, और वो छोटे छोटे कदमों से इधर उधर चला भी करते हैं। फ्राइटेंड बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड का भी मतलब क्या है? कन्फ्यूज्ड। और उनमें से कुछ जानवर, कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो फ्राइटेंड मींस डरे हुए भी होते हैं, कन्फ्यूज तो वो ऑब्वियसली होते ही हैं कि उन्हें इस तरह से बांध के क्यों रखा गया है। ब्लाइंडली सीकिंग, और वो ब्लाइंडली ऐसा इधर उधर जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हों निकल जाने का। अक्रॉस द शेल्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर, फ्लिकर मीन्स मेक स्मॉल अ क्विक मूवमेंट्स, फ्लिकर फिर ऑफ लाइफ। तो पूरी जो शेल्फ उन्होंने अपने शॉप में लगाई थी इस तरह का मूवमेंट चलता रहता था पूरे दिन, और आवाज़ें भी आती रहती थी जानवरों की और बर्ड्स की। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड aren't they cute? बट जो कस्टमर्स आया करते थे वो कहते थे वो क्यूट नहीं लग रहे हैं, वो जब उनके पेट्स की ओर देखते थे जिन्हें वो सेल करने के लिए लगा के रखते थे शेल्स पे, तो कस्टमर्स को वो बहुत ही क्यूट लगते थे, जबकि वो पूरा दिन अलग अलग तरह की स्ट्रेंज वॉइसेस निकाला करते थे, जो कि अगर आप पूरे दिन वहाँ रहो तो ऑब्वियसली आपको वो हार्श
सा फील होने लगता है, मोनोटोनस सी आवाज़ आने लगती है। बट कस्टमर्स जैसा कि हमेशा तो आते नहीं है शॉप में, कभी कभी आते हैं, तो उन्हें बहुत ही वो स्वीट और अच्छा और क्यूट लगा करता था। लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। और कभी कभी वो कहती थी, वो छोटे वाले केज को देखो कितना स्वीट लग रहा है। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। ब्रिस्कली मीन्स क्विकली, एम्फेटिकली मीन्स एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली, मीन्स कि ना चाहते हुए भी कोई जेस्चर शो करना। तो मिस्टर पर्सल, कस्टमर जब कहा करते थे कि ये बर्ड्स, ये एनिमल्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, तो मिस्टर पर्सल का एक हैबिट था अपने हाथों को रब करना बातचीत शुरू करने से पहले। तो वो अपने हाथ रब किया करते थे और एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली कुछ कहा करते थे, मीन्स ना चाहते हुए भी अपना हेड, अपना सर शेक करते थे अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट दिखाने के लिए कि हाँ आप जो कह रहे हैं मैं उससे अग्री करता हूँ, उसके लिए अपना हेड शेक किया करते थे। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कंप्लीटेड, इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। प्रोप्राइटर मीन्स होता है ओनर, मालिक किसी भी शॉप का। पर्च मीन्स अलाइट, मीन्स बैठना, रेस्ट ऑन समथिंग। सो ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कंप्लीटेड, हर सुबह शॉप खोलने के बाद जो भी छोटा मोटा उनका रूटीन हुआ करता था, जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो किया करते थे, वो हो जाने के बाद ये ओनर का एक कस्टम था, जैसे एक रिवाज था, एक हैबिट बन गई थी टू पर्च, बैठ जाना ऑन हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर। काउंटर के पीछे एक हाई स्टूल था, वो उस पर बैठ जाया करते थे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, वो काउंटर के पीछे लगे हुए ऊंचे स्टूल पे बैठ जाया करते थे और अपना पेपर, न्यूज़पेपर अनफोल्ड किया करते थे और पूरे दिन की खबरें पढ़ा करते थे। एज ही रेड ही वुड स्मर्क, फ्राउन रिफ्लेक्टिवली, पर्स हिज लिप्स नोइंगली, लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉड इन ग्रेव अग्रीमेंट। तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे तो वो क्या किया करते थे, स्मर्क, स्मर्क मीन्स स्माइल इन एन इरिटेटिंग वे, फ्राउन मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्राउज, मीन्स वो क्या करते थे, जिस तरह की न्यूज़ होती थी उसी तरह का एक्सप्रेशन भी वो दिया करते थे। अगर कुछ सरकास्टिक सी बात उनको लगती थी कि इस न्यूज़ में है, तो वो स्मर्क किया करते थे, मीन्स स्माइल करते थे इरिटेटिंग वे में। अगर कुछ बुरी न्यूज़ हो तो वो फ्राउन भी किया करते थे। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, अपने लिप्स को भी मूव किया करते थे जिस टाइप की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, नॉट इन ग्रेव अग्रीमेंट। और अगर कोई ऐसा समाचार हो उस न्यूज़पेपर में जिससे कि वो अग्री करते थे, तो वो अपने हेड को नॉड भी करते थे अग्रीमेंट की, यस 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 दिस इज राइट दिस वे। ही रेड एवरीथिंग, मिस्टर पर्सल सब कुछ किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ जाते थे, इवन एडवाइस टू द लव लोन। लव लोन मीन्स अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनरिक्विटेड लव, कोई भी ऐसा इंसान जो कि प्यार इनकम्प्लीट रह जाने पे या फिर प्यार में धोखा खा जाने पे अनहैप्पी हो जाता है, उसे लव लोन कहते हैं। तो उनके लिए भी न्यूज़पेपर में जो सजेशंस दिए होते हैं कॉलम्स में, मिस्टर पर्सल वो भी पढ़ जाते थे, एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। और ये ही नहीं, वो जो एडवर्टीजमेंट कॉलम में दिया होता है एड्स अलग अलग तरह की, वो सारी चीज़ें भी पढ़ जाया करते थे। इट वॉज अ रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज। और जिस दिन की ये बात है, जिस दिन की ये घटना है, जिस दिन का ये इंसिडेंट है, उस दिन क्या था, वो एक रफ डे था। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही थी, और अगेंस्ट मीन्स आके खिड़की पे, जो ऊंची ऊंची ग्लासेस वाली खिड़की थी उस पे टकरा रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट। पूरे शहर में, विंट्री सिटी मीन्स जो सर्दियों का वक्त है, सर्दियों के वक्त का जो शहर है, उसको स्मोक ने फिल्म से ऐसा लगता था कि कवर कर रखा है, किसी लेयर से कवर कर रखा है। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और हवा भी ग्रे नज़र आ रही थी, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रॉस्ट भी थी। Having completed his usual task, Mr. Percy again mounted the high stool and unfolded his morning paper. तो इस दिन भी क्या हुआ,
मिस्टर पर्सल ने अपना यूजुअल टास्क कंप्लीट किया, शॉप ओपन करने के बाद जो वो किया करते थे, और फिर उसके बाद वो हाई स्टूल पे जाके जम के बैठ गए और उन्होंने अपना मॉर्निंग न्यूज़पेपर अनफोल्ड किया. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस एट द डेज हेडलाइन. उन्होंने अपनी ग्लासेस को, अपने चश्मे को एडजस्ट किया और हेडलाइंस की ओर ध्यान देना शुरू किया. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Or birds ki chirping, squeaking, cats ki mewing, everything was all vibrating around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Ye sabhi awazein jo aati rehti thi, wo Mr. Purcell ko itni मोनोटोनस लगा करती थी जितनी मोनोटोनस लगती है क्या घड़ी की टिक टिक. जैसे घड़ी चौबीसों घंटे टिक टिक किया करती है बट हम उसे हार्डली नोटिस करते हैं, हम नोटिस नहीं करते. उसी तरह से मिस्टर पर्सल के शॉप में जो ये एनिमल्स, ये बर्ड्स आवाज़ें निकाला करते थे, मिस्टर पर्सल भी उन्हें यूं ही मोनोटोनसली इग्नोर कर दिया करते थे, वो ध्यान नहीं देते थे उन पर. There was a bell over the door that jingled. Jingle means make or cause to make a light metallic ringing sound. ये जो इमेज में आप बेल्स देख रहे हैं, बहुत से लोग इसे अपने विंडोज पे, डोर्स पे या फिर बैल्कनी में इसे हैंग करते हैं. जब कभी भी हवा आती है, इससे टकराती है, तो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक आता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है. और एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के घर में ये लगा भी होगा. So there was a bell over the door that jingled. एक बेल लगी हुई थी डोर के ऊपर जो कि जिंगल किया करती थी whenever a customer entered. जब कभी भी कोई कस्टमर एंट्री लेता था. This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. But इस बार क्या हुआ, this morning, इस सुबह क्या होता है, Mr. Purcell को लगा कि शायद वो बजी ही नहीं, वो बेल नहीं बजी, कोई कस्टमर आया और वो बेल बजी ही नहीं. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर. उन्होंने जब देखा डोर की तरफ तो एक स्ट्रेंजर वहाँ पे खड़ा था, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर. डोर के अंदर खड़ा था, मीन्स कि दरवाज़ा खुल भी गया था लेकिन बेल भी नहीं बजी और एक स्ट्रेंजर डोर के जस्ट अंदर ही खड़ा था. एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर, ऐसे जैसे कि वो हवा से ही कहीं से आ गया हो, हवा में से ही प्रकट हो गया हो, मटीरियलाइज्ड हो गया हो. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. स्टोर कीपर ने अपना स्टूल जिस पे वो बैठे हुए थे उसे स्लिड करके हटाया. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. और उस आदमी को, वो जो स्ट्रेंजर शॉप में आया था, उसको देखते ही मिस्टर पर्सल को समझ आ गया कि मिस्टर पर्सल के इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि बिना किसी रीज़न के भी ये आदमी मिस्टर पर्सल को हेट करता है, पसंद नहीं कर रहा है. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नॉडेड. बट जैसे कि उनकी हैबिट थी, अगर कोई कस्टमर आता था तो वो अपने हाथों को रब किया करते थे और फिर वो नॉड किया करते थे, स्माइल किया करते थे अपने कस्टमर्स पे, तो वैसे ही उन्होंने इस स्ट्रेंजर के साथ भी किया. गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. स्माइल करते हुए खुशी खुशी उन्होंने उस कस्टमर से पूछा, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. द मैंस शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड. आदमी और आगे बढ़ा. हिज सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. उसने जो सूट पहन रखा था वो चीप था, वो सस्ती क्वालिटी का था और वो इल फिटिंग भी था, मीन्स अच्छी सी फिटिंग नहीं थी उस आदमी के ऊपर उस सूट की. बट ऑब्वियसली लग ही रहा था कि जैसा भी है वो सूट न्यू था, चीप भी था, इल फिटिंग भी थी, मीन्स प्रॉपर फिटिंग नहीं थी उसकी, बट वो न्यू सूट लग रहा था. ही हैड अ शटलिंग. शटलिंग मीन्स ट्रैवल रेगुलरली बिटवीन टू और मोर प्लेसेस. ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. वो एक जगह से दूसरी जगह रेगुलरली देख रहा था शॉप में. एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके बाल बहुत अच्छे से क्रॉप्ड किए हुए थे, कट किए हुए थे. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप. कुछ पल के लिए उसने मिस्टर पर्सल की प्रेजेंस को इग्नोर किया, कोई भी जवाब नहीं दिया उनके सवाल का, और वो शॉप में इधर उधर देखता रहा जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो.
A nasty morning, volunteered the shopkeeper. Shopkeeper कहता है, shopkeeper कौन है यहाँ पे? Mr. Percival. वो कहते हैं, a nasty morning, बहुत ही बुरी morning है. Volunteered the shopkeeper, means उन्होंने बातचीत initiate की, शुरू की. He clasped both hands across his melon-like stomach. और अपने दोनों हाथ उन्होंने अपने melon की तरह, जो stomach था उनका, तरबूज की तरह उस पर रखा, and smiled importantly. और वो stranger की ओर देख के मुस्कुराए. आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल. और उन्होंने फिर कंटिन्यू किया कि पेपर में ऐसा आया हुआ है, न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, मीन्स कि अभी और ठंड बढ़ने वाली है. नाउ व्हाट वॉज इट यू वॉन्टेड, अच्छा आपको क्या लेना था यहाँ से? मिस्टर पर्सिल अपने कस्टमर से पूछते हैं. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सिल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. आदमी ने, वो जो स्ट्रेंजर आया हुआ था शॉप में, उसने मिस्टर पर्सिल को ऐसे घूरा जैसे लगा कि उसने अभी अभी उनको नोटिस किया कि वो भी वहाँ पे हैं. ही सेड, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ एक केज में चाहिए, एक पिंजरे में मुझे कुछ चाहिए. समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सिल वॉज अ बिट कन्फ्यूज. जब वो स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे इस केज में कुछ चाहिए, एक पिंजरे में कुछ चाहिए, तो मिस्टर पर्सिल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिंजरे में कुछ, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, आपका मतलब है कि आपको कोई पेट चाहिए जो पिंजरे में रहता है. तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट बस इतना ही. इसमें हमने जाना कि मिस्टर पर्सिल किस तरह के शॉपकीपर हैं, वो क्या बेचते हैं और कैसा माहौल रहता है उनकी शॉप का पूरे दिन. और एक स्ट्रेंजर जब एंटर करता है उनकी शॉप में, तो उनकी शॉप के डोर के ऊपर जो बेल लटक रही होती है वो आवाज़ नहीं करती है. और ये भी लगता है कि वो स्ट्रेंजर हवा में से ही कैसे प्रकट हो जाता है. तो स्ट्रेंज चीज़ें होनी शुरू हो गई होती हैं. और इसके आगे क्या होता है, वो आदमी क्या खरीदना चाहता है, और क्या वो सच में कोई पेट खरीदता है या नहीं खरीदता है, और अगर खरीदता है तो उसके बाद क्या होता है, ये सभी हम इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में जानेंगे. सेकंड पार्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा. और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे आपको बाकी के लेसन्स और पोएम्स भी मिल जाएं. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग.